व्हाट इज शेप फाइल? शेप फाइल क्या होती है? इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक तो ये फाइल है, जैसे हमारी वर्ड फाइल होती है या फिर कोई डेटा फाइल होती है इस तरीके की, और ये शेप फाइल है। इसमें इसका मतलब इस फाइल में कंटेंट क्या होगा? शेप होगा। अब शेप किस चीज का? पहले आपको बता दूं कि ये जो शेप फाइल है ये एक फॉर्मेट है, क्योंकि फाइल तो फॉर्मेट होता है, जैसे जेपीजी फॉर्मेट होता है, MP3 फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से ये फॉर्मेट है। लेकिन ये हम यूज करते हैं आपके GIS में। GIS में इसको हम कहते हैं जियो स्पेशल वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा क्या हुआ? अगर आपके मैप पे आप जो लाइनें देखते हैं, रोड देखते हैं ना, घर देखते हैं, ये जो घर और रोड बने हैं या फिर कोई लोकेशन पॉइंट इस तरीके से बना हुआ है, ये वेक्टर्स कहते हैं हम इसको। मतलब बेस मैप पे हम लाइनें, पॉइंट लाइन पॉलीगन, पॉइंट लाइन पॉलीगन, और इसको बना के इसके ऊपर चिपकाते हैं, और जब चिपक जाता है तो फिर इसको हम वेक्टर डेटा कहने लगते हैं। तो ये वेक्टर डेटा का फॉर्मेट है कि कौन लाइन पॉइंट लाइन पॉलीगन किस तरीके से दिखाई देंगे, सॉफ्टवेयर उसे कैसे डील करेगा। तो इसको बनाया था ESRI ने। अब जो ESRI है वही जैसे आप RGIS वगैरह है, इसरी RGIS कहते हैं। तो एक बहुत पॉपुलर कंपनी है, एनवायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है, और उन्होंने ये फॉर्मेट बनाया है। अब ये इतना पॉपुलर हुआ कि अब ये एक डिफॉल्ट एक्सचेंज का फॉर्मेट हो गया है, यानी कि इसमें आपको पॉइंट लाइन पॉलीगन या आप किसी भी मैप पे डालेंगे तो वो अपनी जगह जाके बैठ जाएगा। इसमें भी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, या इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और फिर उसके बाद इसको आप किसी भी पॉइंट को, लाइन को, पॉलीगन को किसी भी सॉफ्टवेयर में ले जाएंगे तो वो आपको उस जगह पर दिखाई देगी। जैसे आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूं, पहले इसको क्लियर कर देता हूं। बहुत ध्यान से देखिए कि ये आपका शेप फाइल है। शेप फाइल में एक फाइल नहीं होती, ये कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि शेप फाइल तो है लेकिन मैंने आपको बताया शेप फाइल में जियो स्पेशल डेटा भी चाहिए, मतलब इसका लैटिट्यूड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, उस शेप फाइल में नाम भी चाहिए कुछ आपको, उसकी लोकेशन भी चाहिए, तो उस प्रोजेक्शन क्या है, क्योंकि हर एक मैप पे कोई ना कोई प्रोजेक्शन होता है, डेटम होता है, उस हिसाब से वो चीजें सही बैठती है। तो इस तरीके से आप ये एक फाइल तो आपको दिखेगी शेप फाइल, लेकिन उसके पीछे ये सारी चीजें भी होंगी, और जब आप शेप फाइल बनाएंगे तो ये लाइन होगी, ये पॉइंट हो गया, ये पॉलीगन, तो ये तीन अलग अलग लेयर्स हैं, एक लेयर नहीं है, ये अलग अलग लेयर बनती है, और ऐसे आप मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं अलग अलग तरीके के। जो एक्सटेंशन यूज होते हैं शेप फाइल में, अगर आप शेप फाइल देखें तो .shp करके है, और जैसे मैंने बताया इसको ESRI ने डेवलप किया, जैसे RGIS सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका सॉफ्टवेयर है। RGIS में यहां लिख देता हूं, ये इसरी द्वारा ही बनाया गया है और वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, वैसे तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ऐसे आपके पास क्वांटम GIS, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल हैं, जो फ्री भी है, जो शेप फाइल सब में चलती है, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें। तो शेप फाइल एक इसरी फाइल है, डॉट शेप फाइल में अलग अलग तरीके की फाइल होती है, मैं दिखा दूं आपको। इसमें क्या होता है, अलग अलग एक फाइल नहीं होती, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल होती है। तो इसमें जो .shp की देख रहे हैं ना, शेप shp को शेप को शॉर्ट करेंगे तो shp लगेगा। तो ये आपको एक तो ज्योमेट्रिक फिगर ज्योमेट्री देता है, ज्योमेट्री मतलब जैसे ये ज्योमेट्री है, इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ट्राइंगल को, और इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये भी ट्राइंगल ही है। तो अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री होती है, तो इसमें ज्योमेट्री होती है, पॉइंट है, लाइन है, पॉलीगन, सबकी ज्योमेट्री होती है। यहां पर आप जो SHX देख रहे हैं, ये वाली, ये आपका एक तो एक्सटेंशन है खासतौर पर, जैसे ESRI बता रहा हूं, लेकिन ये साथ में AutoCAD का भी शेप इंडेक्स पोजिशन है। अब ये जो फाइल है इसमें आप सर्चिंग कर सकते हैं, आप जब सर्च करेंगे ना तो आगे की तरफ पीछे की तरफ, तो इसमें इंफॉर्मेशन होती है सर्चिंग की। .dbf नाम से पता चल रहा है कि भाई ये तो कुछ डेटाबेस से रिलेटेड होगी, तो ये डेटाबेस है। अब आपकी हर एक फाइल के साथ कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, या मान लीजिए पॉलीगन है, पॉलीगन का कुछ होगा, पॉलीगन p, पॉलीगन 1, पॉलीगन 2, ऐसे करके, ये कौन सा पॉलीगन है, ये p1 है, ये p2 है। अब इसका लोकेशन क्या है, वो लोकेशन होगा, इसका फिर एरिया क्या है, फिर इसका और भी दे सकते हैं पेरीमीटर क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको .dbf में मिलेगी। ऐसे ये बेसिकली टेबल फॉर्म में होता है, टेबलर फॉर्म होता है, रोज एंड कॉलम वाला। अब आइए PRJ फाइल पे, ये वाली फाइल जो आप देख रहे हैं, PRJ फाइल, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक फाइल कहीं ना कहीं जाके बैठेगी और अलग अलग प्रोजेक्शन में बैठेगी। जैसे आपका दो टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, जो GCS प्रोजेक्शन होता है, PCS होता है, ये ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। GCS खासतौर पर जब आप गोल ग्लोब होता है उस पर दिखाने के लिए, PCS होता है प्लेन मैप पे दिखाने के लिए या बेस मैप पे दिखाने के लिए। तो ये प्रोजेक्शन कौन सा है, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन है, मल्टीपल, मैं इस समय उनका नाम भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इतने सारे हैं। बेसिक क्या होते हैं बता देता हूं, एक पॉलीकॉनिक है, एक सिलेंड्रिकल है, और एक एजीमुथल है जिसको हम प्लानर भी कहते हैं। तो इतने टाइप के अलग अलग टाइप के, इनमें भी मल्टीपल है। तो जो प्रोजेक्शन टाइप है
उस प्रोजेक्शन के को देना पड़ेगा और उस प्रोजेक्शन के हिसाब से ही अपनी जगह जाके बैठेगा जब इसको आप जो शेप फाइल को इंक्लूड करेंगे। अगर प्रोजेक्शन नहीं है तो बता देगा कि अननोन प्रोजेक्शन सिस्टम है। तो प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन का सीधा मतलब होता है 3D को 2D में कन्वर्ट करने वाली पद्धति। अब इसमें एक XML फाइल है, आप देखेंगे कि डिफॉल्ट तरीका है इंटरनेट पे आप डेटाबेस शेयर करने का या डेटा एक्सचेंज करने का .xml। इसमें क्या होता है कि जो भी मेटा डेटा, क्या वर्जन नंबर है, क्या चीज है, कब बनाई गई, कौन क्रिएटर है, ये सारी चीज आपके .xml में आएगी। तो ये आपके एक्सटेंशन होते हैं शेप फाइल के। .sbn ये भी देख लेंगे। ये जो .sbn है ये वाला बता रहा हूं, इसमें क्या होगा, ये एक ऑप्शनल फाइल है। ये केवल क्या करेगी, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, जो क्योंकि आप इस पे सवाल करेंगे, क्वेरी से ही तो सारी चीजें निकल गई कि ये वो रोड दिखाओ जो मेरे घर के 200 मीटर पे है, तो स्पेशल क्वेरीज है, तो वो SBX में या SBN में जाके स्टोर होती है। और SBN भी है इसमें, SBX भी, ध्यान रखिए दोनों की दोनों है, ये दोनों की बात कर रहा हूं SBN और SBX। तो ये दोनों की दोनों फाइल है, ये आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको स्पीड अप करेंगी, मतलब टाइम भी लगाएंगी, जैसे आप गूगल पे कुछ टाइप करते हैं फटाफट नहीं आ जाता, उसी तरीके से। तो जैसे SBX मैं बता रहा हूँ, SBX और SBN सिमिलर एक जैसी फाइल है, और जो लोडिंग टाइम है, जो भी समय लगता है, जिसे हम परफॉर्मेंस इश्यूज कहते हैं, उसको ठीक करने में ये काम आता है। ओके, .cpg एक और इसमें फाइल आप देखेंगे, एक और साथ में फाइल रहती है .cpg। अब ये यहां पर क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि ये आपकी ऑप्शनल फाइल है। अगर आप इसमें अपनी चीजें डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम अपने आप इसको इनकोड कर देगी, तो ये एक ऑप्शनल फाइल है।